हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप्ति, स्पेस ऑफ क्रिएटिविटी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेसन की बर्फी की रेसिपी। तो आइए मेरे साथ देखते हैं किस तरह बनती है बेसन की बर्फी। बेसन की बर्फी बनाने के लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है, 1 कप शक्कर लेंगे। जितना आप बेसन ले रहे हैं उतना ही शक्कर ले लीजिए, और शक्कर की मात्रा आप अपने मीठे स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 कप घी लेंगे, 1/2 कप पानी, 3 से 4 इलायची पाउडर या इलायची कूट लीजिए, और गार्निशिंग के लिए बादाम और पिस्ते, जो भी आप लेना चाहें। सबसे पहले एक प्लेट में घी लगा के रख देते हैं जिसमें हमें बर्फी जमाना है। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम घी डाल देंगे और घी को गरम करेंगे। घी गरम हो गया है, अब हम इसमें बेसन डाल देंगे और इसे हम सेकेंगे। हमें बेसन जब तक सुनहरा नहीं हो जाए तब तक इसे हमें सेकना है। अब ये देखिए सुनहरा हो गया है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए 1/2 कप पानी डाल दीजिए कढ़ाई में, और जो हमने 1 कप शक्कर ली है वो डाल दीजिए। अब हम इसे उबालेंगे जब तक शक्कर घुल ना जाए। शक्कर के घुलने तक ही हमें इसे रखना है कढ़ाई में, जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। ये देखिए इसमें उबाल आ गया है, अब हमने जो बेसन सेक के रखा है वो हम इसमें डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिला लीजिए और चलाते रहिए। अब हम इसे तब तक चलाएंगे जब तक ये जमने की कंसिस्टेंसी में ना आ जाए, गाढ़ा ना हो जाए। आप थोड़ा सा एक प्लेट में निकाल कर देखते रहिए, अब वो गाढ़ा हो जाएगा, जमने लगेगा, तो आप समझ जाइए कि ये जमने के लिए तैयार है। अब ये गाढ़ा होने लगा है, मैं इसमें इलायची पाउडर डाल रही हूँ या कुटी हुई इलायची डाल लीजिए, और मैं इसमें चुटकी भर फूड कलर ऐड कर रही हूँ जिससे इसका ऑरेंज शेड हो जाएगा, जो कि अच्छा लगता है। देखिए इसका कलर ऑरेंज आ गया है। और अब जिस प्लेट में हमने घी लगा के रखा था उसमें हम निकाल लेंगे बर्फी जमाने के लिए। आप बर्फी जमाने के लिए बेसन रखेंगे, इसके बाद यदि आपको लगता है कि ये गीला है, नहीं जम रहा है, तो आप एक बार उसको फिर से कढ़ाई में 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे चला लीजिए, तो गाढ़ा हो जाएगा, और फिर से इसको जमाने के लिए रख दीजिए। अब इसे आप ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दीजिए, जो भी आप ऊपर से ड्राई फ्रूट सजाना चाहते हैं वो डाल दीजिए इसके ऊपर, और इसे हम 1/2 घंटे के लिए रख देंगे, उसके बाद हम बर्फी काटेंगे। अब ये देखिए 1/2 घंटे बाद मेरी बर्फी सेट हो चुकी है। अब मैं इसमें अपने पसंद का कट लगा लेती हूँ। आपको जितने छोटे बड़े पीस चाहिए उतने बड़े आप कट लगा लीजिए। ये देखिए हमारी बर्फी इजीली कट रही है, और एक निकाल के भी देख लेते हैं। ये देखिए इजीली निकल भी चुकी है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी? यदि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।